भारतीयों के अंदर जो भावना है कि हमारी जो संस्कृति हमको सिखाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम यहाँ आपसी सद्भाव की बात करते हैं, हम यहाँ आपसी सद्भाव की बात करते हैं। हमारे गांधी दर्शन में भी उनका ये था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, धर्म से मतलब नहीं है, वो सभी लोग एक देश के निवासी हैं और उसके पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान हिंदुस्तान से है, हमारी पहचान भारत से है। अब गांधी के अहिंसा का मतलब था यदि आपकी वजह से किसी का दिल भी दुख जाता है तो अभी हिंसा की श्रेणी में आएगा, इसलिए आप अपना ऐसा व्यवहार रखें कि आपकी वजह से अगले इंसान को तकलीफ न पहुंचे। और उस समय जिस समय हम गुलाम थे उस समय भी देश की स्थिति हम बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। 1915 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत आए, सबसे पहले 1917 में इन्होंने नील खेती का विद्रोह करने के लिए सबसे पहले चंपारण गए, जहां पे एक किसान था राजकुमार, उन्हीं ने इनको बुलाया था और उनके कहने पे अंग्रेजों के सामने वो अनशन पे बैठे और अंत में महात्मा गांधी की विजय हुई और अंग्रेजों को महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी। उनकी बढ़ती ख्याति देखकर 1918 में अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन शुरू हो गया। वहां के मजदूरों को अंग्रेज जो थे वो वेतन देने से इतरा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जितना इनकम होगा उसका मैं आपको 20% दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। गांधी जी को वहां बुलाया गया, वो वहां गए और उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी कि जितना आपका इनकम होगा उसका 50% मजदूरों को मिलेगा और 50% आप रखेंगे। इस पर तमाम विवाद हुआ, तमाम बातें चली, अंत में उनको भी ये बात माननी पड़ी। गांधी जी हमेशा अपने कर्मों के बदौलत, हमेशा अपने कर्मों के बदौलत आज भी याद किया जाता, उस समय जो चीजें जो बातें वो कह देते थे वो सभी बातें उस समय के लोग मानते भी थे, उनकी बात वो काटता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोगों में उनकी साख थी। और उसके लिए कहा भी गया है कि फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहां पे आसिया बनाने की। उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप सच में हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम हैं।